मधुमक्खी अपने बैग में ढेर सारा शहद भर लेती है, फिर वो गोल गोल फ्लेक्स पे पेंट कर लेती है, उसी से तो बनता है हनी फ्लेक्स। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आओ इधर बैठो, मैं आपके लिए हनी फ्लेक्स लेके आती हूँ, ठीक है? अरे पापा, आज तो मैं पापा के साथ बैठूंगी। ये पानी पियो, पानी पियो। बस बस। पानी लो बेटा। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है मॉम। बैठो बैठो। तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर इस डाइनिंग टेबल से किसी को उठ के जाना है तो वो विधान है। विधान ठहर, वो रुको। मैं नहीं जानता कि जो तुमने किया उसे गलती कहें पाप या गुनाह, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि खाने की टेबल से बिना खाना खाए नहीं उठना चाहिए। बैठ जाओ, बैठो। इसमें तो मच्छर है, ये देखिए दूसरा मच्छर। मच्छर से डेंगू होता है, मुझे भी हो जाएगा। हरिया, मच्छर मारने वाली मशीन लगा दो। आंटी मशीन मशीन छोड़ो, मैं इसे मारती हूँ। चिकू बेटा ऐसे भागो मत, गिर जाओगे। बड़ी आंटी बड़ी आंटी, हिलना नहीं, आपके चाय के कप में मच्छर है। तो क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना दूर रहो, ये क्या कर दिया सब? चले जाओ यहाँ से। चीकू बेटा इधर आओ, हम आपके रूम में जाके हनी फ्लेक्स खाएंगे, ठीक है? वहाँ पे कोई मच्छर नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ी मालकिन, वकील साहब आए हैं। ये यश सिन्हा है, हमारी कंपनी के नए लीगल एडवाइजर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। पेपर्स लाए हैं आप? यस मैम। ये सब क्या कर रही हो तेरा? मैंने आज एक फैसला लिया है, रावत इंडस्ट्रीज के जो 3 प्लांट्स विधान के नाम पे है वो आज मैं नियति के नाम कर रही हूँ। क्या है ना, आज ये बच्ची आई है, कल उसकी माँ आएगी, विधान पे हक जमाएगी, नियति का क्या होगा? मैं नियति के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती, और इसीलिए ये 3 कंपनीज मैं नियति के नाम कर रही हूँ। विधान का नाम निकाल रही हूँ। सासू माँ ऐसा मत कहिए प्लीज, एक बार तो विधान की तरफ से भी सोच के देखिए ना। कर दीजिए माँ। कंपनी, शेयर्स, सब नियति के नाम कर दीजिए, बस मुझे विलन समझना बंद करिए। ऐना के बारे में आप सबको मैंने खुद बताया था, और मैंने ये कहा था कि मुझे शक है कि चीकू मेरी और नैना की बेटी हो सकती है, पर आप सबने मुझे क्या समझ लिया? नियति मेरी एक बार नैना से बात तो हो जाने दो। लो बेटा साइन कर। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है।
मुझे ये कंपनी वगैरह अपने नाम नहीं करनी, मुझे बस ये यकीन चाहिए कि विधान ने मुझसे जितने वादे किए थे वो सब झूठे नहीं थे। विधान ने मुझसे कहा था कि मैं उसका एक लौता प्यार हूं, पर मैं ये कैसे मान लूं कि वो बच्ची विधान की सिर्फ एक भूल है, उसके प्यार की निशानी नहीं। मिस्टर विधान रावत, उस बच्ची की मां को लेकर आओ और अपनी सच्चाई साबित करो। प्लीज प्लीज प्लीज, ये नंबर सही हो भगवान, प्लीज। हेलो नैना। यस नैना, मैं विधान बोल रहा हूँ, विधान रावत। विधान रावत? नैना, मैं तुम्हारा नंबर कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, तुम्हारा पुराना नंबर बंद है, मुझे कितनी मुश्किल से तुम्हारा ये नंबर मिला है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नैना तुम ऐसा नहीं कर सकती। भाभी माँ एक मिनट। हेलो। हाँ नैना, देखो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम प्लीज जल्दी से जल्दी रावत मिला आ जाओ प्लीज, हम इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या बोला? आ रही है। नैना, कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर पे, पीजी पे, सब जगह कॉल किया, किसी को कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में, घर पे सबको परेशान करके रखा है। चलो बताओ इन सबको कि वो मैंने तुम्हें परेशान किया है और तुमने तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। देखो देखो नैना, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, हमें उस गोवा ट्रिप पे जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि हम गोवा नहीं, हम शिमला की ट्रिप पे गए थे। शिमला गए थे? हाँ, जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। पता नहीं कैसे अजीब अजीब वहाँ पे गुंडे आ गए थे मुझे अकेला देखकर। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे पुलिस आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम तो मुझे अकेले छोड़कर जयपुर चले गए थे और तुमने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं घर कैसे पहुंची। फोन किया और डायरेक्ट ब्रेकअप, इट्स ओवर। हाँ वो तो सेकंड ईयर की बात है ना। हाँ तो सेकंड ईयर में हम शिमला गए थे और फर्स्ट ईयर में गोवा गए थे। फर्स्ट ईयर में मैं तुम्हारे साथ थी ही नहीं। विधान, ये सब क्या है? तुम इसे साफ साफ पूछते क्यों नहीं? वो एक मिनट, चीकू, ये बच्ची को देखो।